नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं शादाब अली और क्रिकेट टुडे में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की अहम और मुख्य खबरों पर। गांगुली ने जारी किया सख्त फरमान। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नव नियुक्त अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने पुष्टि करते हुए कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच 22 नवंबर से कोलकाता में खेला जाने वाला सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच दिन रात्रि होगा। बता दें कि हाल ही में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने डे नाइट टेस्ट मैच खेलने की हामी भरी थी। इस मैच में एसजी पिंक बॉल का उपयोग होना है। इतने कम समय में बीसीसीआई पर्याप्त गेंदों की व्यवस्था कैसे कर सकेगी, यह भी एक सवाल है। लेकिन बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कंपनी से कहा है कि वह अगले 10 दिनों में पर्याप्त संख्या में पिंक बॉल तैयार कर लें। बांग्लादेश क्रिकेट टीम को लगा तगड़ा झटका। बांग्लादेशी टीम के टेस्ट और टी20 कप्तान शाकिब अल हसन पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2 साल का बैन लगा दिया है। बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर पर भ्रष्ट पेशकश की जानकारी नहीं देने पर कार्यवाही हुई थी। भारत दौरे से पहले बांग्लादेश क्रिकेट टीम के ये बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इस दौरे में 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के अलावा 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। कंगारू टीम के विस्फोटक ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल की 2 टूक। ऑस्ट्रेलिया टीम के विस्फोटक ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल का मानना है कि टी20 क्रिकेट में उनकी टीम पिछले 1-2 साल में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। मैक्सवेल ने क्रिक इन्फो से कहा, मेरा मानना है कि पिछले 1.5-2 साल से हमने अच्छी उन्नति की है और अपने परिणाम में काफी सुधार किया है। बता दें कि मैक्सवेल ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में 28 गेंदों पर 62 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। अंग्रेजी टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो का बयान आया सामने। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो ने कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज के जरिए उनकी टीम आगामी टी20 विश्व कप की तैयारियां शुरू कर देगी। बता दें कि टी20 विश्व कप अगले साल ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि यह टी20 विश्व कप के लिए हमारी तैयारियों की शुरुआत है। बता दें कि बेयरस्टो ने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए अभ्यास मैच में 45 गेंदों पर ताबड़तोड़ 78 रनों की नाबाद पारी खेली थी। दोस्तों, ये थी दिन की तमाम अहम खबरें जो दिन भर चर्चा का विषय बनी रही। आप बने रहिए क्रिकेट टुडे के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद, आदाब, सत श्री अकाल।